स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे डिजिटल डिवाइसों के ज्यादा इस्तेमाल का तंत्रिका तंत्र और खासकर याददाश्त पर बुरा असर पड़ता है। इसे डिजिटल डिमेंशिया कहते हैं। अमूमन डिमेंशिया की बीमारी बुजुर्गों को होती है, लेकिन डिजिटल डिवाइस के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ये बीमारी युवाओं में भी दिख रही है। डिजिटल डिवाइसों की आदत दिमागी सेहत के लिए भारी खतरा है। पहली बार डिजिटल डिमेंशिया नाम का इस्तेमाल 2012 में जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट मैनफ्रेड स्पिट्जर ने किया था। See, the excess digital application, digital use itself is a recent phenomenon. And there are not many studies which have actually looked at on a long-term basis and say that it is directly contributing to risk of dementia. Okay, so I could think of this being a factor for depression. This could be a factor for social isolation. Okay, less physical activity. In all these aspects, excess digital use can indirectly contribute to dementia. 2022 में हुई एक रिसर्च के मुताबिक लंबे समय तक टीवी देखने और कंप्यूटर के इस्तेमाल से डिमेंशिया का खतरा बढ़ता है। डिजिटल डिवाइसों के 4 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल से डिमेंशिया, अल्जाइमर और याददाश्त खोने की दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। अभी तक इस बीमारी को आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है, फिर भी वैज्ञानिक शोध साबित करते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल याददाश्त के लिए खतरनाक है। Yeah, it is something like causing a lot of problems, both in terms of mental health issues like depression, social isolation, aggression, even aggression. People who have excessive dependence on video games, it can actually affect relationship within the family as well as other interpersonal relationship in the context of school or his friendships. Everything can be affected. So many times people who have mental health problems, who have problems in externalization, problems in maintaining relationships, no, or people who have social anxiety. So these people, they become more comfortable living in this technology addiction. कई रिसर्च से पता चला है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से लोगों को जानकारियां भी ज्यादा मिलती हैं। इस वजह से उन्हें किसी खास काम में मन लगाने में मुश्किल होने लगती है। जानकारों के मुताबिक बेशक टेक्नोलॉजी दिमागी कौशल को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन ज्यादा स्क्रीन टाइम याददाश्त भी कम कर सकता है और सामाजिक दूरी बढ़ा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट अफेक्ट्स अवर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ इनिशियल मेमोरी हैपेंस। देन एक्सेसिव यूसेज ऑफ सोशल मीडिया अफेक्ट्स अवर स्लीप पैटर्न। इट्स ब्लू रेज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन ऑल्सो अफेक्ट स्लीप पैटर्न एंड ड्यूरिंग द स्लीप पैटर्न short term memory conversion onto the long term memory which happens in the hippocampus of our brain which is also being affected because for that proper sleep is required. Digital dementia ke lakshanon mein kam samay ki yaadasht mein kamzori, shabdon ko yaad karne mein pareshani aur ek saath kai kaam karne mein mushkil aana shamil hain. Zyada screen time, neend, mood aur tantrika tantra par bhi asar dal sakta hai. Jankaron ki salah hai कि स्क्रीन टाइम कम किया जाए, पढ़ने या टहलने जैसी गतिविधियां पढ़ाई जाएं, फोन के नोटिफिकेशन को म्यूट रखें और डिजिटल डिवाइस के बगैर याददाश्त बढ़ाने वाले काम करें। इन आदतों के साथ तकनीक का इस्तेमाल मिलाने से दिमागी सेहत तंदुरुस्त रह सकती है।